हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आईज़ की करेंट अफेयर्स। ये जून मंथ की करेंट अफेयर्स है और इसमें हमारी दो लेसन कंप्लीट हो चुकी है, यानी यहाँ पे हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकॉनमी के लेसन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पॉइंट होती है क्योंकि टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और ये आपका दो या तीन पार्ट में चला जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सारे पार्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि इकॉनमी में थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है ना, सारी चीज़ें आपको समझानी होती है, तो इसलिए ये डिटेल में डिस्कशन करने के कारण ये आपका लेंथी हो जाता है। ओके, बाकी तो फिर एक एक लेसन में आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक है नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी लेसन कंप्लीट हो चुकी है उन सारे के लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से आप वीडियो देख सकते हैं। हर मंथ की आपको विजन आइज की मैगजीन्स यहाँ पर दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अन अकेडमी में ये आपकी 30 डेज़ की क्रैश कोर्स चल रही है, जिसमें कि इनसाइट्स ऑफ इंडिया से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पिक करती हूँ और ये आपका मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज के डेट में आज आपका डे 14 का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, तो 30 डेज़ की ये क्रैश कोर्स है। तो जिस किसी को भी ये ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस मैं क्वेश्चंस दूंगी, उसके बाद मॉडल आंसर बताऊंगी, जिससे कि मेंस में किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखना है, क्या क्या बातें को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप ऋषिका नाम से अगर सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आपको दिखेगी, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिखेंगे, लेकिन ये आपको 30 डेज़ का क्रैश कोर्स जो है वो आपको दिख जाएगा। तो प्लीज़ उसको सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो किसी भी ईयर, यानी कि 2019 के लिए या फिर 2020 के लिए, या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस की मेंस एग्जाम देने वाले हो, तो भी आपके ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट करना ना भूलें। चलिए अब अपने लेसन पर चलते हैं। तो इकॉनमी की सबसे पहली जो टॉपिक है इस बार वो है जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया, कि इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी इसको एस्टिमेट किया जा रहा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है, जितना भी आपको मैप में जो भी आपको टेरिटरी देखने को मिल रहा है। ओके, मैं यहाँ पर रफ़ स्केच लेकर आ रही हूँ। तो हमारे टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शंस होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो भी एक फिनेंशियल ईयर में, यानी कि आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा एक फिनेंशियल ईयर चलता है। तो इस फिनेंशियल ईयर में हमारे टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसके कैलकुलेशन को, उसके सम को हम लोग यहाँ पे जीडीपी कहते हैं। ओके, तो रिसेंटली हुआ क्या है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी निकल कर आई है ओवर इंडिया की न्यू जीडीपी सीरीज़ को लेकर, और यहाँ पे एक मेथडोलॉजी यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर हम लोग रिसेंट पब्लिश्ड रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग देखें, जो कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम ने यहाँ पे आपका पब्लिश किया है, जिसमें कि वो इस चीज़ को कहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना, वो यहाँ पर ओवर एस्टिमेट बताया गया है 2.5% से, और वो भी आपका 2011-12 के बीच में और 16-17 के बीच में। तो इन दोनों ईयर्स के बीच में जो है यहाँ पर आपका ओवर एस्टिमेट बताया गया है, ऐसा कौन कह रहे हैं? तो ऐसा हमारे जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम थे, वो ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो ये एक तरीके का कंट्रोवर्सी निकल कर आया था। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चेंज किया गया है इंडियन के जीडीपी सीरीज में। 2015 में अगर हम लोग देखेंगे तो सीएसओ, जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, वो यहाँ पे रिवाइज्ड मेथडोलॉजी लेकर आई थी, जिसमें कि हमारे जीडीपी का यहाँ पे कैलकुलेशंस था। तो यहाँ पे चेंज हुआ था बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है कि उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि आगे आने वाले सालों में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना यहाँ पे डेवलप, कितने यहाँ पे आपका जो जीडीपी है वो यहाँ पे राइज हुआ है या फिर डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक बेस ईयर माना जाता है। पहले बेस ईयर 2004-05 था, उसके बाद बेस ईयर यहाँ पे 2011-12 है, तो ये आपका 2015 में इसको चेंज कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो डेटा है ना एनएसएसओ से, तो वो भी यहाँ पे आपका कैप्चर किया गया था। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन हुआ रिकमेंडेशंस, जो कि यहाँ पे नेशनल अकाउंट्स की तरफ से देखने को मिला, जो कि 2008 का था। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशंस भी देखने लगे थे, ग्रॉस वैल्यू एडेड का जीवीए का, और नेट वैल्यू एडेड का, जो कि आपका एनवीए भी है। तो बेसिक प्राइस पे हम लोग इन दोनों का वैल्यू भी लेने लगे थे। साथ ही यहाँ पे जीडीपी को कंसीडर किया जा रहा था एज ए मार्केट प्राइस, जो कि आपका हेडलाइन जीडीपी था, ना कि जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। आपका जीडीपी दो तरीके से यहाँ पे मेजर्स किया जाता है, एक आपका होता है मार्केट प्राइस में, एक होता है फैक्टर कॉस्ट में। तो मैं आगे आपको बताती हूँ
तो ये मार्केट प्राइस पे यहाँ पे आपका जो है वैल्यू यहाँ पे आपका ऐड होने लगा था। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जब यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जिस इंडस्ट्री में यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस समय इसकी क्या वैल्यू थी, सारा जितना भी आपका मटेरियल लगा है, यानी कि यहाँ पे अगर आपका कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होता है तो ब्रेड बनाने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन सब चीज़ का यहाँ पर एडिशन्स करके जो आपका फैक्टर निकलता है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जब ये आपका प्रोडक्शन जो है मार्केट में आ जाता है, और मार्केट में आने के बाद जब यहाँ पर आपका टैक्स वगैरह सब्सिडी वगैरह इंक्लूड होता है, तो उसके बाद आपका क्या होता है उस ब्रेड का, उसको हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा था, ना कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को। उसके बाद यहाँ पे यूनी आपका सॉरी अन इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज़ को यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था एज ए मेंटेनिंग अकाउंट, जो कि एक क्वासी कॉरपोरेशन है। उसके बाद क्या हुआ कि MCA 2021 डेटाबेस को इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी कि यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देखने को मिला कॉरपोरेट सेक्टर का, वो भी माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में। पहले क्या था कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंटरप्राइजेस का था वो यहाँ पे आपका IIP और जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज थी ना, इसके तर्ज पे देखा जाता था। फिर क्या हुआ कि ब्रॉडर कवरेज देखने को मिला फिनेंशियल सेक्टर का, जिसमें कि आपका स्टॉक ब्रोकर्स को इंक्लूड किया गया, स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ किया गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। साथ ही साथ ही यहाँ पे आपका जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जैसे कि आपकी सेबी हो गई, PFRDA हो गई, इड्डा हो गई, तो इन सबको भी यहाँ पे कवरेज किया गया। अर्लियर जो एस्टिमेट था वो सिर्फ आपका कमर्शियल बैंक तक और NBFC तक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिनेंशियल सेक्टर को भी इसमें आपका GDP में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक और मेथड यहाँ पे इंक्लूड हुआ, वो है इफेक्टिव लेबर इनपुट। तो पहले क्या था कि यहाँ पे आपके सारे कैटेगरीज इंक्लूड होते थे वर्कर्स के, जो कि इक्वली यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन जो न्यू मेथड आया है उसमें सिर्फ आपका डिफरेंशियल लेबर प्रोडक्टिविटी इशू को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा था, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो वर्कर की थी ना उसको यहाँ पे डिफरेंट वेट दिया जा रहा था। उसके बाद जो आपका रिजल्ट था ना, यूज़ ऑफ रिजल्ट ऑफ रिसेंट सर्वे, यानी कि रिसेंट सर्वे और सेंसस के तर्ज पर यहाँ पे आपका रिजल्ट का यूज़ हो रहा था। करेंट डेटा जो था वो लेटेस्ट सर्वे से लिया जा रहा था GDP कैलकुलेशन में, जैसे कि एग्रीकल्चर सेंसस 2010-11 का हो गया, ऑल इंडिया लाइव स्टॉक 2012 की हो गई, ऑल इंडिया डेट और इन्वेस्टमेंट सर्वे 2013 का हो गया। तो इसमें क्या था कि अभी जो आपका सर्वे GDP कैलकुलेशन था उसमें आपका एकदम रिसेंटली जो करंट डेटा था उसको इंक्लूड किया जा रहा था, उससे पहले जो था ना वो बहुत पुराने डेटा को ही यहाँ पे आपका देखते थे। तो यहाँ पे आपका एक टर्म आया है GDP और GVA। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है। तो यहाँ पे GDP का मतलब है कि आपका मॉनिटरी वैल्यू, सिर्फ जो एक साल के अंदर जो आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसके सम को हम लोग यहाँ पे जो है GDP कहते हैं। वहीं अगर डोमेस्टिक टेरिटरी देखें, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी कि आप लोग देखते हो कि जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे हमारी टेरिटोरियल वाटर्स भी इंक्लूड है, कमर्शियल वेसल्स भी इंक्लूड है, जो कि यहाँ पे कंट्री रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें हमारी कंट्री की एम्बेसीज रहती है, और फिर यहाँ पे लोकेटेड जो भी अब्रॉड में रहते हैं उनको भी यहाँ पे कंसल्ट किया गया है। GVA की बात करें तो ये सिर्फ एक वैल्यू एडेड होता है जो कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के सर्विसेज में ऐड किया जाता है, उसके मेजर्स को यहाँ पे हम लोग GVA कहते हैं। यानी कि GVA में क्या हो गया, तो इकोनॉमिक आउटपुट माइनस इनपुट। ओके, तो एक ये आपका GVA क्या होता है ना कि एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी एक जगह का सेक्टर का यहाँ पे GVA निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे जगह का सेक्टर का आपका GVA निकालते हैं, इन सबको प्लस करके हम लोग यहाँ पे GDP का वैल्यू निकालते हैं। GDP क्या होता है कि पूरा होल टेरिटरी का देख रहे हैं, लेकिन GVA क्या होता है कि आपका सेक्टर स्पेसिफिक होता है। ओके, वहीं अगर CSO की बात करें तो वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके का आपके डेटा को कंपाइल करने के लिए, यानी कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे कंपाइल करते हैं, जिसमें कि आपका GDP भी इंक्लूड है। ओके, तो CSO भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे GDP ग्रोथ को ये एस्टिमेट करती है। उसके बाद अब हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं, जो न्यू सीरीज़ आज के डेट में इतना यूज़ हो रहा है, तो इसका बेनिफिट क्या है पहले ये समझते हैं। इंडिया जो है अब यहाँ पे न्यूमेरिकली यहाँ पे इम्प्रूव कर चुकी है अपनी GDP एस्टिमेट को, यानी कि इतने सारे फैक्टर्स को हम लोग इंक्लूड किए हैं, इसका मतलब है कि काफ़ी न्यूमेरिकल डेटा जो है हम लोग इंक्लूड कर पाए हैं, जिसके थ्रू हम लोग GDP को एस्टिमेट कर रहे हैं आज के डेट में। और उसके बाद इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है ना वो भी बेटर हो पाई है, साथ ही यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया में। उसके बाद आप देखोगे तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है, जिससे कि उनको IMF में भी कोटा मिल पा रहा है। कोटा यहाँ पे डिटरमाइन करता है कंट्री की सब्सक्रिप्शंस जो कि IMF में होती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, और ये एक्सेस कर पाती है, फंड को ले पाती है, वोटिंग राइट इनको दिया जाता है। उसके बाद जो आज
के डेट में करंट कोटा फार्मूला है ना, वो यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी है, यानी कि इसका 50% है, ओपननेस देखें तो वो 30% है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी देखें तो 15% है, और इंटरनेशनल रिजर्व्स देखें तो वो 5% है। तो इस तरीके का यहाँ पे बेनिफिट देखोगे तो ये आपकी सारी बेनिफिट है न्यू सीरीज़ के लिए, जो भी आज के डेट में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इशूज़ निकल कर आ रही है जीडीपी के एस्टिमेशन में हमारे इंडिया में, जो कंसर्न है वो यहाँ पे है कि इंडिया की जो न्यू जीडीपी सीरीज़ है ना, उसके एक्यूरेसी को लेकर कि वो कितना एक्यूरेसी है, जिससे कि हमारे यहाँ काफ़ी लीगलिसी यहाँ पे प्रॉब्लम्स निकल कर आ रहा है। किसके साथ? तो नेशनल अकाउंट सिस्टम के साथ हमारे कंट्री में, और पहले जो था ना इसको अनएड्रेस रखा गया था, यानी कि पहले ये सारी इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस नहीं किया जा रहा था, लेकिन न्यू सीरीज जब से आई है तब से उसमें इसको एड्रेस किया जा रहा है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि वोलेटाइल रिविजन्स है, यानी कि ये जो रिविजन्स किया गया है ना, जो कि आपका एडवांस एस्टिमेट्स और जो रिवाइज एस्टिमेट है इसके बीच में, वो भी ओवरऑल जीडीपी नंबर्स में, तो इसमें आपका अपवर्ड बायस देखने को मिल रहा है, जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चन रेज हो रही है जीडीपी डेटा के क्रेडिबिलिटी के ऊपर। वोलेटाइल रिविजन्स अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस भी क्रिएट कर रही है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो कि यहाँ पर डिसीजन बेस्ड कर रहे हैं इनिशियल एस्टिमेट को लेकर। तो ये काफ़ी वोलेटाइल रिविजन्स है, आज है तो कल नहीं होगा, इस टाइप का है। ओवर एस्टिमेशन बायस देखने को मिल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो जो न्यू सीरीज़ आपका जीडीपी का निकल कर आया है, ये यहाँ पे एज्यूम कर रही है कि इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, वो सेम रेट से ग्रो कर रही है जो कि फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में क्या अंतर होता है? फॉर्मल मतलब कि जैसे कि आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसका एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स ड्यूरेशन होता है, ओके? जैसे आप 9 से 5 कर रहे हो टाइमिंग, या फिर आपका ड्यूरेशन भी फिक्स होता है, टाइमिंग भी फिक्स होती है, आपको उसका बेसिस आपका जो है वहाँ पे इंक्लूड भी होती है गवर्नमेंट डेटा, आपको कहीं पे टैक्स भी पे करना पड़ता है, ओके? इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसका ना कोई फिक्स टाइम है, ना कोई फिक्स डेट है, ना कोई फिक्स आपका कहीं भी आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा है, टोटल मनी आपका हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, और जिसका कोई डेटा भी कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, और फॉर्मल का आपका डेटा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपका फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसका डेटा यहाँ पे आपका कैच भी नहीं किया जा रहा है, जिसका कोई टाइम नहीं है, जिसकी कोई मनी एस्टिमेशन नहीं है, उसकी जो यहाँ पे ग्रोथ है ना, वो सिमिलर है जो कि फॉर्मल आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा है। तो ये आपका ओवर एस्टिमेशन बायस देखने को मिल रहा है। सेकेंड है कि यहाँ पे आपका डिफ्लेटर्स का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो एज अ डिफ्लेटर है बहुत सारे सिविल सेक्टर्स के लिए, जो कि हमारे इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, तो वो भी आज के डेट में इनअप्रोप्रिएट है। अगर करेंटली आप देखोगे ना, तो GVA कैलकुलेशन में इंस्टेड ऑफ डिफ्लेटिंग आउटपुट एंड इनपुट विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्टिव प्राइसेस, कॉमन जो आउटपुट डिफ्लेटर है ना, वो यूज़ किया जा रहा है। यानी कि GDP डिफ्लेटर क्या होता है? तो GDP प्राइस डिफ्लेटर होता है, जो कि एक तरीके का आपको रेशियो देखने को मिलेगा। तो रेशियो किसका किसका होता है? प्राइस लेवल का होता है, वो भी डिफरेंट टीयर का, और उसमें आपका जो है इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जो कि आपका गुड्स और सर्विसेज का कितना इन्फ्लेशन हुआ है, ओके? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि GDP डिफ्लेटर होता क्या है। GDP प्राइस डिफ्लेटर होता है, यानी कि प्राइस जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस लेवल, यानी कि रेशियो जो है आपका प्राइस लेवल हो रहा है डिफरेंट ईयर में। मान लीजिए कि 2018 में कुछ और था, 2019 में कुछ और था, और उसको जो है आपका रेशियो जो है वो इन्फ्लेशन से देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन उस गुड्स और सर्विसेज में उसका प्राइस क्या था। और GDP डिफ्लेटर का एक बहुत अच्छा आपका यहाँ पे फॉर्मूला भी है, ये आप याद कर लीजिए। नॉमिनल GDP एट करंट प्राइस, यानी कि 2018 का, इससे आपका रियल GDP जो कांस्टेंट प्राइस है, यानी कि जो बेस ईयर है उसका जो GDP है उससे आपका भागा देना, यानी कि आपको डिवाइड करना है जो नॉमिनल GDP है इस साल का, उसका आपको डिवाइड करना है बेस ईयर से इनटू 100, इससे आप GDP डिफ्लेटर निकाल लोगे, ओके? जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, और जो ग्रोथ रेट है वो भी यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जो है ना, आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी चीज़ों की दाम बढ़ जाती है तो मार्केट में ऐसा कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, बहुत ज़्यादा पैसों की सप्लाई हो गई, ओके? तो ये आपका इन्फ्लेशन के कारण भी ना, प्रोडक्शन जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाते हैं। GDP डिफ्लेटर जो है ना, यहाँ पे कंपैरिजन लेकर आ रही है, वो भी रियल GDP जो कि बेस ईयर में थी, और दूसरी GDP जो कि अभी यहाँ पे करंट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए GDP डिफ्लेटर का यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है। करेंटली जैसे कि आप फॉर एग्जांपल है कि जब ऑयल प्राइसेस बहुत कम था तो इनपुट इन्फ्लेशन भी बहुत कम था। यानी कि आप देखते हो इन्फ्लेशन कैसे हो जाता है कि जब हम लोग ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब जगह से, तो उस समय क्या होता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम लोग की इंपोर्ट महंगी हो जाती है, इसके कारण आपका पेट्रोल डीजल यहाँ पे महंगा हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। वहीं अगर हम लोग आउटपुट इन्फ्लेशन देखें तो वो धीरे धीरे आपका बढ़ते ही जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे आपका टेंडेंसी है कि ग्रोथ जो है ना वो
ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है। जब भी आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन है, यानी कि पैसे की कमी है या फिर पैसे का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो आपका ग्रोथ कभी भी यहाँ पर स्टेबल नहीं हो सकता। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी नहीं था, बहुत आपका इनपुट इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन जो आ रहा था वो बहुत कम था, और आउटपुट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि क्रूड ऑयल हमारे कंट्री में इम्पोर्ट होने के बाद पेट्रोल डीजल की दाम भी बढ़ गई, क्रूड ऑयल का पैसा भी बढ़ गया, यानी कि मार्केट में इनकम मनी की जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण आपका यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन हो गया और हमारी ग्रोथ जो है ना वो ओवर एस्टिमेट बताया जा रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे इशू निकल कर आया था वो ये है कि MCA 21 की डेटाबेस इसको यूज़ किया गया है। अब ये क्या समझते हैं, जो हमारे अनटेस्टेड कॉर्पोरेट डेटाबेस है ना MCA 21, जिस मैनर में इसको यूज़ किया गया वो भी नेशनल अकाउंट फॉर कैलकुलेशन, और ये आपका न्यू GDP सीरीज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा कंटेंशंस है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। MCA 21 डेटा की बात करें तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो डिटेल है ना उसकी कमी देखने को मिलेगी, साथ ही यहाँ पे जो स्टेट लेवल का जो GDP है ना वो भी अप्रोप्रिएट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इसके कारण क्या होगा कि आपका जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट का उस पर इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 3% जो आपका GSDP होता है यानी कि ग्रॉस स्टेट डेवलप आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो यहाँ पे मैंडेट किया गया है आपका FRBM एक्ट 2003 कि यहाँ पे 3% तो आपका GSDP जो है आपका स्टेट का होना ही चाहिए। ओके, और डिवोल्यूशंस अगर आप रिसोर्सेज का देखोगे स्टेट का तो ये फिनेंस कमीशन के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया था। जो मोस्ट आपका रिलेटिवली प्रॉस्पेरस स्टेट है ना, जैसे कि दिल्ली हो गई, केरला हो गई, कर्नाटक हो गई, यहाँ पे काफ़ी बूस्ट देखने को मिल रहा है, उनकी जो GSDP है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन कुछ स्टेट की बात करें जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ की जो आपकी इकॉनमी है ना बहुत ज़्यादा श्रिंक होते हुए दिखेगी, यहाँ की जो GSDP है वो भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं है, काफ़ी यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। और जो डिवोल्यूशंस होता है फंड का, यानी कि फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को फिनेंस कमीशन के द्वारा देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे काफ़ी फॉर्मूला को इम्पैक्ट कर रहे हैं दोनों तरीके से, फिजिकल परफॉर्मेंस में भी और इनकम डिस्टेंस में भी। तो ये आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पे MCA 21 के डेटाबेस को यूज़ करने से देखने को मिल रहा है। इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इनकम डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करती है डिफरेंस जो कि पर कैपिटा GSDP आपका जो स्टेट का होता है उसमें, और जो पर कैपिटा GSDP जो आपका स्टेट का होता है विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, इनके बीच में जो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना उसको हम लोग यहाँ पे इनकम डिस्टेंस कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इशू क्या हो गया कि हम लोग शिफ्ट कर गए जो भी एस्टैब्लिशमेंट से इंटरप्राइज अप्रोच में, यानी कि जो न्यू आपका GVM मेथडोलॉजी है ना वो यहाँ पे डेटा कलेक्शंस अगर हम लोग देखें एस्टैब्लिशमेंट से लेकर हम लोग शिफ्ट कर गए हैं इंटरप्राइज में, यानी फैक्ट्रीज से अब हम लोग फर्म में यहाँ पे शिफ्ट कर गए, और जितनी भी आपकी वैल्यू एडेड इंटरप्राइजेस में है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में क्लासिफाइड हो चुकी है, जो कि यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग GVM में कैलकुलेट होता है। लेकिन जो एक्टिविटीज़ है फर्म्स का वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है अगर हम लोग यहाँ पे फैक्ट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो सब्सिडीज़ है ना वो यहाँ पे आपका देखा जाता है सर्विस में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में दिया जाता है सब्सिडीज़, जो कि यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्वालिफाइड नहीं हो रहा, ये तो आपका सर्विस सेक्टर में क्वालिफाइड हो रहा है ना, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में अगर आपको यहाँ पे आपको सब्सिडीज़ दी जा रही है तो उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि ये आपका एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर इशू देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में तो आप जानते हो कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी की यहाँ बात ही नहीं होती है, इफेक्टिव ऑडिट नहीं हो पाती है GDP आपका डेटाबेस का, जो कि काफ़ी इनएडिक्वेट आपको देखने को मिलेगा, CSO की तरफ से यहाँ पे डेटा निकल कर आती है। रिसेंट जो रिजिग्नेशन दिया गया है 2 मेंबर का, वो भी नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन का, और नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट मेंबर जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो यहाँ पे दिखाते हैं ना कि यहाँ पे ऑटोनोमो की कमी है, यानी कि ऑटोनोमी यानी कि आपका जो स्वतंत्रता है स्टैटिस्टिक सिस्टम में इंडिया में वो यहाँ पे कमी है, क्योंकि जो भी डेटा निकल कर आता है ना उसको यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए इस तरीके का आपका यहाँ पे रेजिग्नेशंस देखने को मिल रहा है। अब ये सारी तो इश्यूज़ है, लेकिन फिर भी एक अच्छा यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि वे फॉरवर्ड में बताई जा रही है कि एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स जो है जिसमें कि आपकी MCA 21 डेटाबेस इंक्लूड है उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट करना चाहिए जब इसको नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक में डाल दिया जाता है उससे पहले। उसके बाद जो न्यू डेटा सोर्सेज और जो मेथोडोलॉजी है ना उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, उसमें आपका ट्रांजैक्शन लेवल GST को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर बेस्ड जो एस्टिमेट है ना GDP का उसको यहाँ पे अच्छे से एस्टिमेट किया जा सके। उसके बाद जो यहाँ पे आपको शिफ्ट देखने को मिल रहा है एस्टैब्लिश्ड अप्रोच से लेकर इंटरप्राइज अप्रोच से, तो उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली तरीके से करना चाहिए जिससे कि जो डेटा निकल कर आए वो अच्छे तरीके से निकल कर आए। उसके बाद ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए जो भी मेथड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, बेटर डेटा आपका डिसिमिनेशन स्टैंडर्ड
होना चाहिए जिसके थ्रू जो आपका क्रेडिबिलिटी है ऑफिशियल जीडीपी नंबर का उसको भी इम्प्रूव कर सके। और साथ ही आज के डेट में रिसेंट मर्जर जो हुआ है सीएसओ और एनएसएसओ का, ये हेल्प करेगा सीएसओ यानी कि आपका सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस और साथ ही नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है जिससे कि बहुत बेटर तरीके से आपका ट्रांसपेरेंट डेटा प्रैक्टिस यहाँ पे निकल कर आ सकता है। ओके तो ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है अगर हम लोग इंटरनल पॉलिसी मेकिंग में देखें। यहाँ पे ज़रूरत है कि दोनों यानी कि मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसी है ना वो यहाँ पे साथ में आ रहा है, जैसे कि जो ओवर एस्टिमेट देखने को मिल रहा है ग्रोथ रेट का, हम लोग जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाई कर सकते हैं वो भी आपका साइक्लिक परस्पेक्टिव से, जो कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो सकता है, ग्रोथ को स्टैग्नेट कर सकती है। ओके यही इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हम लोग ब्रॉडर मैसेज को देखेंगे, जो भी यहाँ पे कंसर्न रेज हो रहे हैं उनको यहाँ पे शॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाएगा और एक जो जीडीपी एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है ना उनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाया जाएगा और मोर रोबस्ट होगा। ओके तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे आपका इस तरीके का दिया गया है कि एक अच्छा वे फॉरवर्ड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन रखा गया है, जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है ना जीडीपी एस्टिमेशन को लेकर, तो ये आपका पूरी तरीके से डेटा रखा गया है कि फॉर्मर सीईए जो आपके अरविंद सुब्रमण्यम ने ऐसा कहा कि ओवर एस्टिमेट लगा दिया गया है जीडीपी का, और वहीं पर आपका क्रिटिसाइज जो है एनालिसिस किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमीशन्स के द्वारा, काउंसिल के द्वारा, जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर का है। ओके तो इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या था। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि अरविंद सुब्रमण्यम की जो पेपर थे ना उसमें इन्होंने यही चीज़ कहा था कि ये ओवर एस्टिमेट लगाया गया, जितना रियल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है उस चीज़ को रियल नहीं दिखाकर यहाँ पे आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करके मैनिपुलेट करके इसको ज़्यादा दिखाया गया है। जो मैग्नीट्यूड है आपका जीडीपी ग्रोथ का वो ओवर एस्टिमेट है, और वो भी 2.5% तक इसको ओवर एस्टिमेट बताया जा रहा है, और यहाँ पे आपका 4.5% में ही आपका ग्रोथ रेट है, ना कि यहाँ पे 7%। ओके जो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं ना कि 7% इकोनॉमिक सर्वे में भी मैं आपको बताई थी, तो इकोनॉमिक सर्वे का आपको लेसन देखना है तो भी आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपकी इकोनॉमिक सर्वे की लेसन चल रही है, तो उसमें भी मैं बताई थी कि 7% का ग्रोथ हुआ है इस बार, तो ये बता रहे कि 7% का ग्रोथ नहीं हुआ है, सिर्फ 4.5% का ग्रोथ हुआ है। ओके तो ये सारी बातें इतना आपको डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं है, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ था वो मैं आपको बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी यानी कि 2 साल हो चुके हैं जीएसटी का, तो 2 साल होने के बाद क्या क्या यहाँ पे पर्सपेक्टिव है मैं आपको पूरी तरीके से बताती हूँ। तो बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म देखने को मिला था, जीएसटी ने 2 साल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और ये आपका लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 में, जो कि आपका स्पेशल सेशन चल रहा था पार्लियामेंट में। अब कुछ हम लोग जीएसटी के बारे में और इसकी प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी एक आपका डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये आपका फाइनल कंजप्शन पॉइंट पे लगाया जाता है। अगर जीएसटी के अंडर में देखें तो यहाँ पे 17 इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि आपकी एक्साइज ड्यूटी हो गई, वैट हो गई, सर्विस टैक्स हो गई, लग्जरी टैक्स हो गई, तो ये सारी कुछ सब्स्यूम्ड हो चुकी है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये आपका टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब इन सारे टैक्स के एक करके आपका सिर्फ जीएसटी लगाया जाता है। टैक्स नॉट सब्स्यूम्ड जो कि आपके जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स नहीं आए हैं, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में है, वैट है जो कि अल्कोहल जो कि आपका ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, स्टैम्प ड्यूटी है, प्रॉपर्टी ड्यूटी है, ये सारी जो टैक्स वगैरह है ना इसको अलग रखा गया है, अभी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। जीएसटी आज के डेट में जो है ना हर एक प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, एक्सेप्ट कौन कौन से प्रोडक्ट पर नहीं लगाया जाता ये भी आप याद कर लीजिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, रियल इस्टेट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये 4 स्लैब में लगाया जाता है, कहीं आपको 5% देखने को मिलेगा, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28% का। मोस्ट ऑफ द जो डेली यूज़ की आर्टिकल्स है ना वो यहाँ पे 0 GST उस पर लगाया जाता है आज के डेट में, जो रिवाइज रिविजन्स आया है उसके अकॉर्डिंग। और इन एडिशन आप देखोगे तो जीएसटी के अलावा आपको सेस भी देखने को मिलेगा। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जो भी टैक्स आप दे रहे हो ना उसमें आपको कुछ परसेंट का टैक्स देना होगा, और वो आपका कुछ एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होता है, जैसे एडुकेशन टैक्स हो गया, सैनिटेशन टैक्स हो गया। ओके इस तरीके का टैक्स लगाया जाता है, तो इसको हम लोग सेस कहते हैं। और ये सेस आपका किस में लगाया जा रहा है? तो ऑटोमोबाइल्स में लगाया जा रहा है, लग्जरी में, डीमेरिट्स में, या फिर सीन गुड्स में, ये आपका सेस लगाया जाता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है कलेक्ट करने में और रिड्यूस करने में जो भी टैक्स इवेजन हो रहा है, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने में काफ़ी इजी हो गया है, और टैक्स से जो छुटकारा पाकर भाग जाते थे यानी जो टैक्स की चोरी करते थे ना उसकी यहाँ पे कमी देखने को मिली है। अगर कस्टमर की तरफ से देखें तो ये काफ़ी ईजी है समझने में, और यहाँ पर टैक्स का जो बर्डन है ना उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प हुआ है। वहीं अगर
हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से समझे तो यहाँ पे इंश्योर किया गया है कि अब कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है टैक्स का, यानी कि कास्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या कि टैक्स ऑन टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाता था। इनडायरेक्ट टैक्स आप देखोगे तो इंडस्ट्री में काफ़ी टैक्सेस लगते थे, वैट लग रहा है, तो उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लग रहा है, तो बहुत सारी टैक्स लगती थी। सो इन सारे टैक्स के चक्कर से उनको छुटकारा मिली है और यहाँ पर हार्मोनाइजेशन देखने को मिला है टैक्स लॉ में, प्रोसीजर में और रेट ऑफ टैक्स में भी। ओके, अब जीएसटी की सक्सेस देख लेते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में क्या क्या सक्सेस देखने को मिला। तो जीएसटी यहाँ पे एक फंडामेंटल रीसेटिंग की है हमारे इंडियन इकॉनमी में और ये फिर से रीडिफाइन की है कि किस तरीके से हमारे बिजनेस को यहाँ पे किया जाए। साथ ही यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन भी इंक्रीज़ हुई है, हमारी मार्केट जो गुड्स और सर्विसेज के लिए है वो भी यहाँ पे एक्सपेंड हो पाई है और रिप्लेस की है बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे स्मॉल और फ्रैक्चर्ड मार्केट यहाँ पे चलती थी हमारे सिंगल कॉमन वन में, तो इसको भी रिप्लेस की है। और टोटली आपको ओवरहॉल देखने को मिलेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम में आ गया है, यानी कि हमारी वन नेशन वन टैक्स रिजिम में ये आपका ढल चुका है। टैक्स कंपाइलेशंस की बात करें तो प्री जीएसटी पीरियड यानी कि जीएसटी लगने से पहले क्या था कि ट्रेडर्स को यहाँ पे कंप्लाई करना पड़ता था, जो भी यहाँ पे बहुत सारे टैक्स डिपार्टमेंट और लॉस के जो रूल्स रेगुलेशंस थे तो उनको ये समझना पड़ता था। अब क्या है कि टैक्स कंप्लाइज जो है काफ़ी ईजियर हो गया है क्योंकि उनको एक सिंगल सेट ऑफ नॉर्म्स मिला है, सिर्फ जीएसटी उनको फाइल करना है। जीएसटी जो है काफ़ी सक्सेसफुल देखने को मिला है कि यहाँ पे कंप्लायंस को यानी कि स्मॉल ट्रेडर्स के साथ ये काफ़ी अच्छा कंप्लायंस कर रही है, वो भी कंपोजिशन स्कीम के थ्रू। आज की डेट में अगर देखेंगे तो स्मॉल डीलर्स जो कि टर्नओवर जिनका 1.5 करोड़ है ना, वो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के थ्रू काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर पा रहे हैं और सिर्फ 1% ही टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे अब एक आपका सिंगल ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें कि आपको फिलिंग करनी है और रिटर्न मिलेगा आपको अगर यहाँ पे आपका जो कि मोर ट्रांसपेरेंट आपका वे हो चुका है। सेल्फ पॉलिसिंग मेकैनिज्म है जीएसटी का जो कि यहाँ पे हेल्प करेगी, जिसके थ्रू टैक्स इवेजन को चेक किया जा रहा है, यानी जो भी लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनको अच्छे से यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। साथ ही टैक्स का जो नेट है ना वो और एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि ज़्यादा लोग यहाँ पे अब टैक्स जो है फाइल कर रहे हैं, यानी कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसके बाद रेवेन्यू बेस की बात करें तो जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है कि रेवेन्यू बेस यानी कि हम लोग ज़्यादा टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगी, तो उनकी भी रेवेन्यू बेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। 85% जो है पास्ट 2 ईयर्स में देखने को मिल रहा है, यानी कि 65 लाख से जो है आज के डेट में 1.2 करोड़ तक इनकी रेवेन्यू बेस हो चुकी है। रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बायंसी भी देखने को मिल रही है, यानी कि जो रिलेटिव बायंसी है जीएसटी रेवेन्यू आपका जो भी प्री जीएसटी पीरियड में अगर कंपेयर करें तो ये 2 फैक्टर में था, यानी कि पहला तो था जो आपका डिज़ाइन किया गया जीएसटी का जिसमें कि आपके जितने भी इंटायर वैल्यू चेन है रॉ मटेरियल से लेकर आपका जो रिटेल तक था जिसमें कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पर्पस था तो वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया। दूसरा है कि जो टैक्स इंसिडेंस है ना सर्विसेज में वो भी आपका इंक्रीज़ हुआ है, 14% आपका प्री जीएसटी था जो कि आज के डेट में 18% आपका पोस्ट जीएसटी हो गया है। गवर्नमेंट की मंथली अगर एवरेज रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो वो भी 10% से इंक्रीज़ हो गया। 2017-18 में आप देखोगे तो 89,700 करोड़ था, वहीं अगर 2018-19 में देखेंगे तो ये आपका 97,100 ये आपका करोड़ में देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि इतना जो है आपका गवर्नमेंट का मंथली रेवेन्यू कलेक्शंस भी बढ़ रहा है। बायंसी रेशियो आप देखोगे तो over 1 है जो कि शो कर रहा है एक प्रोग्रेसिवनेस इसमें, तो रेवेन्यू ग्रोथ में यानी कि सरकार की रेवेन्यू ग्रोथ भी आपका अच्छा से हो पा रहा है। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस यानी कि करेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 97.5% जो आर्टिकल्स है ना वो यहाँ पे 18% के द्वारा कवर किया जा रहा है और लोअर जीएसटी स्लैब के द्वारा, यानी कि यहाँ पे आपका 5% 0% है, 5% 12% और 18% 28%, तो ये सारी जो आपका टैक्स स्लैब है ना उसी में आपका यहाँ पे टैक्स देखने को मिल रहा है। एक गुड फिस्कल सिस्टम जो है वो यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू इंटरमीडिएट गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। ओके, ये एक तरीके का लॉजिक अंडरलाइन किया गया है सारे वैल्यू एडेड टैक्सेस में, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गई तो वो जितने भी टैक्स आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा है ना वो इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि फाइनल आपका जहाँ पे जा रहा है ना वहीं पे आपका टैक्स लगेगा, बीच में कहीं भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। री इंजीनियरिंग ऑफ सप्लाई चेन हो चुका है, यानी कि जीएसटी जो है आज के डेट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है जिसके थ्रू जो भी फिजिकल सप्लाई चेन कॉस्ट थी ना उसको यहाँ पे कम किया गया है, यानी कि कॉस्ट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, वेयर हाउसिंग में लगता है, इन्वेंट्री में लगता है, तो उसको यहाँ पे कम किया गया है। साथ ही एक यूनिफाइड टैक्स देखने को मिलता है, सीमलेस अवेबिलिटी है क्रेडिट का जिसमें कि आपका कॉस्ट ऑफ जो प्रोक्योरमेंट है रॉ मटेरियल का उसको यहाँ पे कम किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे आपका ई वे बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ई वे बिल जो है यहाँ पे एक अच्छा शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो कि डिपार्टमेंटल पॉलिसिंग मॉडल से लेकर वो सेल्फ डिक्लेरेशन मॉडल में है। और ई वे बिल आपका किस में लगाया जाता है, तो कोई भी अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो ई वे बिल होता क्या है,
ईवे बिल आपका एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, जब कोई भी पर्सन जो है एक जगह से सामान ले जा रहे हैं दूसरे जगह में, जैसे कि सामान का आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो इंटर कंट्री या इंट्रा कंट्री आप ले, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट आप लेकर जा रहे हो, और ये जो सामान का वैल्यू है अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो ही ईवे वैल्यू जो है, ईवे बिल आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, और आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पर ईवे बिल आप जनरेट कर सकते हो। ओके, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, ये आपका जनरेट किया जाता है GST कॉमन पोर्टल से, जहाँ पे लोगों को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है जब भी वो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स को कंसाइन करते हैं। ओके, तो ये ईवे बिल भी बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन को ईज़ कर दिया है। यहाँ पे आपका हैसल फ्री जो मूवमेंट है, यानी कि घंटों यहाँ पे लाइन पे लगा रहना पड़ता था जितने भी बस ट्रक्स वगैरह होते थे जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे क्लियरेंस के लिए, तो अभी इस तरीके का हैसल फ्री मूवमेंट हो रहा है गुड्स का। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सेवरल चेंजेस लेकर आई है ई वे बिल सिस्टम में, जिसमें कि ऑटो कैलकुलेशन है डिस्टेंस बेस्ड ऑन पिन कोड, यानी पिन कोड के बेसिस पे ही यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे आपका जो है गुड्स को यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट करना है। ब्लॉकिंग कर दिया जाएगा, ब्लॉकिंग जनरेशन भी है, अगर एक इंसान जो है मल्टीपल बिल को यहाँ पे जनरेट करते हैं और एक इनवाइस के लिए, एक इनवॉइस के लिए यानी कि एक पेमेंट के लिए, तो उनको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम यहाँ पे लेकर आया गया है। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सारी ऑपरेशन जो कि आपका फ्रंट एंड सर्विस से लेकर, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, पेमेंट हो, सारे टैक्स पेयर्स को यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आपका जो बैकएंड है आईटी मॉडल्स का स्टेट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑपरेट हो रहा है। जो इंटरफेस है उसका रिडक्शन देखने को मिल रहा है टैक्स कलेक्टर और जो टैक्स पेयर है उनके बीच में। हाई क्वालिटी क्वान्टिफिएबल डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि फॉर्मर इन फॉरवर्ड और स्टेट स्पेसिफाइड प्रोडक्शन है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक्सपोर्ट का हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप देखोगे तो री इन्फोर्स, यानी कि जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म है उसको भी री इन्फोर्स किया जा रहा है। GST काउंसिल है जो कि एक सक्सेसफुल यहाँ पे आपका एग्जांपल देखने को मिलेगा कॉपरेटिव फेडरलिज्म में। जब भी आपसे कॉपरेटिव फेडरलिज्म का बारे में आपसे पूछे तो आप GST काउंसिल के बारे में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सेंटर तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा आपको 15 यहाँ पे आपके सारे स्टेट भी इंक्लूड है। ओके, तो जो भी फंक्शनिंग जो भी पॉलिसीज़ होती है यहाँ पे आपका सेंटर और स्टेट एक साथ मिलकर यहाँ पे आपके जो भी डिसीजन है उसको पास करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ओके, तो अब इतनी तो हम लोग सक्सेसफुल देखें कि कहाँ कहाँ ये GST जो है बेटर वर्क की है। इसके साथ ही आपको चैलेंजेस को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चैलेंजेस तो हमेशा हर एक फील्ड में होती है। तो लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन है आज के भी डेट में, यानी कि जब से GST लॉन्च हुआ है उसके 2 साल हो गए हैं, लेकिन जो एक्सक्लूजन है यानी कि जो चीज़ें आपके जिस पे अभी भी GST नहीं लग रही है वो अभी भी बाहर है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, आपका क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन है, पोर्टेबल अल्कोहल है, रियल इस्टेट है, तो यहाँ पे आपका 30-40% जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आता है ना, ये अभी तक आपके GST एम्बिट से बाहर है। सेकंड है कि कम्प्लेक्स GST स्ट्रक्चर है, जिसमें कि मल्टीपल टैक्स स्लैब देखने को मिल रहा है। एक ही GST का मतलब एक ही होना चाहिए ना, 4 GST आपका टैक्स स्लैब है, यानी कि अभी भी तो मल्टीपल टैक्स कह सकते हैं, तो 4 डिफरेंट रेट्स है जो कि काफ़ी अंडरमाइन करती है हमारे सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंस को। एडमिनिस्ट्रिंग मल्टीपल रेट्स है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, हर एक रेट को यहाँ पर आपका मेनटेन करके रखना, उसी रेट के हिसाब से सारे प्रोडक्शन को यहाँ पर देखना, तो वो एक बहुत तरीके का चैलेंजिंग टास्क देखने को मिलता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्राइवेसी की प्रॉब्लम है, यानी कि GST जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, इसको यहाँ पे ज़रूरत है कि जो ह्यूमगस जो आपका स्केल है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए इनपुट बेस्ड जो टैक्स क्रेडिट है, यहाँ पे आपका कॉमन डेटाबेस बनाने की बात की जा रही थी, जिसमें कि रजिस्टर किया गया है ट्रेडर्स को कि वो इस तरीके के सेंट्रली उसको मैनेज कर सके, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। एंटी प्रॉफिटेरिंग नॉर्म्स, ये एक नॉर्म्स लाया गया था, यानी कि सेंट्रल GST लेजिस्लेशन में इस तरीके का प्रोविजन्स था जिसमें ज़रूरत था कि इंडस्ट्री को यहाँ पर रिड्यूस करना है प्राइस। जैसे कि आप देखते हो कि हर बार GST काउंसिल के बाद कुछ डिसीजन आती है और उस डिसीजन में पता चलता है कि जो 18% पर प्रोडक्ट थी उसको यहाँ पे घटा के 5% में रख दिया गया, जो 12% की प्रोडक्ट थी उसको भी यहाँ पे 0% ला दिया गया, तो ये एक्चुअली ये प्राइस आपका रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे एंटी प्रॉफिटेरिंग नॉर्म्स लेकर आया गया था कि यहाँ पे आपका चेकआउट किया जाएगा, सारे मार्केट्स में जाकर देखा जाएगा, इंडस्ट्रीज में देखा जाएगा कि सच में यहाँ पे जो है लोगों तक ये आपका फॉर्मूला पहुंच रहा है कि नहीं, लोगों तक ये आपका जो है जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी कि जो टैक्स स्लैब यहाँ पे कम किया जा रहा है तो उसको यहाँ पे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे एंटी प्रॉफिटेरिंग नॉर्म्स लाया गया था। ओके, तो ये भी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोड ब्लॉक्स है, तो ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, इसको रेगुलेट अच्छे तरीके से करना होगा। ओके, अब आते हैं वे फॉरवर्ड में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह हम लोग देख लिए,
तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी जो टैक्सेबल बेस है ना, इसमें आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट को तो मस्ट हैव इंक्लूड करना है, स्पेशली जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, रियल इस्टेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें कि आपका इंक्लूजन होना चाहिए रियल इस्टेट का, जो कि जितनी भी लैंड मार्केट है ना इसको क्लीन अप करेगी। साथ ही साथ जो रेवेन्यू गेन है डायरेक्ट टैक्स का वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ मोर ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रांजेक्शन्स भी अच्छे से रिपोर्ट हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल दो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें रिग्रेसिव इन नेचर है, यानी कि जितना आपका पैसा बढ़ते जा रहा है उतना ज़्यादा आपको उतना मतलब कि रिग्रेसिव है, यानी कि जो कम इनकम है उनको भी वही टैक्स देना है, जिनका ज़्यादा इनकम है वो उनको भी सेम टैक्स देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है सबसे सेम लिया जाता है, तो ये रिग्रेसिव इन नेचर है, जो कि लो स्टैंडर्ड और मॉडल रेट नहीं है, जो कि स्मॉलेस्ट लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो रिग्रेसिव है, इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की स्टडी के हिसाब से देखें तो जो इंडियन की जीएसटी रेट है ना वो 2% हाईएस्ट है, अगर हम लोग 115 कंट्रीज़ में देखें जहाँ पर इस तरीके का जीएसटी वैल्यू चल रहा है। ओके, यहाँ पर 5 मेन टैक्स रेट्स है, सेवरल एग्जेम्पशंस है, सेस भी लगाया जा रहा है, ऊपर से स्पेशल रेट रखा गया है गोल्ड के लिए। तो इन सब के कारण जो है हमारी जीएसटी थोड़ी महंगी हो जा रही है। रेवेन्यू परफॉर्मेंस अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम्स की देखें तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग को भी एक बेटर कंप्लायंस इंश्योर करना होगा, जो कि इम्प्रूव हो सके अच्छे से, वो भी स्मॉल ट्रेडर्स में। इम्पोजिशन होनी चाहिए एडिशनल ड्यूटी की, वो भी आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ओके, सिंगल अथॉरिटी अगर हम लोग देखें तो उसको भी सैंक्शनिंग करनी चाहिए, जीएसटी रिफंड को यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका ध्यान दिया जाएगा, तभी एक बेटर तरीके से जीएसटी में जो भी चैलेंजेस है उसको यहाँ पे दूर किया जाएगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए, जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल कॉस्ट है ना उसको बीट किया जाए। ओके, और यहाँ पे आपका बेनिफिट होना चाहिए मीडियम टर्म में, और साथ ही साथ यहाँ पे अर्ली डेज़ में देखे, अर्ली डेज़ से आज तक भी देखे तो जीएसटी जो है ना वो एक पॉजिटिव नोट के थ्रू ही स्टार्ट किया गया था, और सारे स्टेक होल्डर्स को इससे बेनिफिट देने की बात की गई थी। लेकिन अभी अगर हम लोग देखेंगे, अभी ये ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को ये स्टेबलाइज़ करना चाहिए इस सिस्टम को, जो भी अनसर्टेनिटीज़ है उनको रिमूव करना चाहिए, और कंप्लायंस जो है उसको और अच्छे से फैसिलिटेट करके हमारे प्रोसेस को ईज़ करना है, साथ ही टैक्स बेस को और अच्छा एक्सपेंड करके हमारे जीएसटी को एक रियल सक्सेस की तरफ से लेकर आना है। ओके, तो ये सारी बातें रही। और यहाँ पे एक और इशूज़ था, जो कि जीएसटी नेटवर्क को देख कर हम लोग देख रहे थे कि जीएसटी नेटवर्क अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो उस इशूज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन अगर चैलेंजेस, इशूज़ या फिर प्रॉब्लम में आपको लिखना है तो जीएसटी नेटवर्क लिखना ना भूले। ओके, तो गाइज आज सिर्फ दो ही टॉपिक को मेरे जो डील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हाफ एन आवर हो गए, तो आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि कुछ और मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, लेकिन वीज़न आइस की इकोनॉमिक वाली सेक्शन मैं ज़रूर पढ़ाऊँ। ओके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं भी समझती हूँ इकोनॉमिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इकोनॉमिक समझ रहे हो ना तो मेजर चीज़ें आप समझ पा रहे हो, और कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना तो आपके हाथ में अगर इकॉनमी है ना तो समझिए कि 50% पेपर आपके हाथ में है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे इतने डिटेल में डिस्कस करती हूँ, जिससे कि आपको और भी जो रमेश सिंह की बुक है या फिर आपके न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप फ्री है कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली आपके आंसर करती हूँ। हर एक कमेंट का मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, हर एक अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरीज होती है मैं ज़रूर उसका आंसर रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।